ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर वेस्टिंग टाइम। मार्केट में अगर मैं बात करूँ तो और पूरे दिन रेंज में ही रहा, ऑप्शन सेलर्स का दिन था। देखते हैं कल क्या हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आपको मॉर्निंग बताता हूँ तो निफ्टी इज़ डूइंग बेटर देन बैंक निफ्टी। मॉर्निंग में हमने अपडेट देखा था ये, और क्योंकि रीज़न क्या था, रिलायंस एंड आईटी। ठीक है, अभी देखते हैं मार्केट में हो क्या सकता है। ये अपना प्रीवियस डे का चार्ट है। अगर मैं बात करता हूँ, मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से हर्डल लिया जहाँ से ये प्रीवियसली था। 790 था प्रीवियसली लेवल, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 17,980। ठीक है, ये आपका लेवल है जो हर्डल लिया था। 17,925 के ऊपर अपने का ब्रेकआउट था, अपने देखा था, बाइंग की साइड था। ठीक है, और अभी क्या हो सकता है मार्केट में देखते हैं, उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। पहले अगर मार्केट से आप ये वाला मूव हटा दो तो मार्केट में साइडवेज ही था, पूरे दिन साइडवेज था, यानी ऑप्शन सेलर के लिए दिन था। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, इसी जगह पे 925 के आसपास आके जो ब्रेकआउट का इसका लेवल था वहीं पे आके इसने क्लोजिंग दिया है। दैट मीन्स 925 इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल, 17,925। जब चार्ट पे, अभी हम ऑप्शन चेन में भी चलेंगे तब वेरीफाई कर लेंगे किसके नीचे अपने को शॉर्ट करना होगा, लेकिन जब तक ये लेवल नहीं टूटता है, डिफेंड है, तब तक अपने को शॉर्ट साइड का सोचना नहीं है। ठीक है, ऊपर में ये लेवल अगर आप देखोगे तो आज इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये कैंडल भी साउंड थी, 15 मिनट्स का ग्रीन कैंडल थी, मार्बोल टाइप की, और ये ब्रेकआउट था, तो ट्रैप भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मार्केट वहाँ से आपका नीचे आ गया। अपने को वापस से ब्रेकआउट कहाँ मिलेगा, 17,980 के ऊपर 15 मिनट्स की एक कैंडल सस्टेन हो जाए, ठीक है, तब अपने को एक ब्रेकआउट मिलेगा, नंबर वन। ठीक है, या सेकंड अपने को नीचे की तरफ बाइंग करना हो, अभी हम ऑप्शन चेन पे जाके देखें कब करना है। ठीक है, शॉर्टिंग की साइड अभी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं जब तक कि एक लेवल ना टूटे, जो कि आपका आ रहा है 17,850। ठीक है, ये लेवल आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपका यहीं से इसने रनअप दिखाया हुआ है। एक दफ़ा सपोर्ट लेगा यहाँ से आके, एक दफ़ा सपोर्ट जरूर लेते हैं, सपोर्ट लेता है। रीज़न क्या है, जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, तीन केसेस होने वाले हैं, गैप अप, गैप डाउन या साइड बेस, तीनों में क्या करना है। 980 के ऊपर अगर ओपन होता है तो फिर आप देखना 950 है, 940 आपका सारा सपोर्ट का काम करेगा, अगर 980 के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो। ठीक है, अगर मार्केट ओपन होता है 900 के नीचे, ठीक है, तो फिर 925 बन जाएगा आपका हर्डल। ठीक है, अगर 900 के नीचे गैप डाउन खुलता है तो अपने को 925 के ऊपर ही बाय करना है, या फिर अपने को ब्रेकआउट 980 के ऊपर बाय करना है। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है तो। लेकिन याद रखना, अभी सेल की तरफ थोड़ा सा मिस हो जाए ट्रेड, कोई बात नहीं, मिस करेंगे, लेकिन स्कैल्पिंग के बेसिस पे जाएंगे। होल्ड करने का थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है मार्केट में, सिनेरियो अच्छा चल रहा है। ठीक है, 880 के नीचे अगर आप शॉर्ट करते हो तो यहाँ तक का आपका टारगेट होना चाहिए, 850 एंड 820। ठीक है, और इवेंचुअली 800। ठीक, बहुत बड़ा गैप पे, बहुत बड़ा गैप डाउन पे, दोनों पे ही अपने को थोड़ा सा इग्नोर करना है। मैं एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेता हूँ तो उससे और क्लियर आइडिया हो जाएगा। ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करता हूँ, ये देखो 17,900। ठीक है, यहाँ पे ही आपका सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स ऐड हुए हैं, 61 लाख बैठे हैं। ऊपर में 18,000, यानी कि 17,800 नीचे की रेंज है और 18,000 ऊपर की रेंज है। ये वीक में जिधर की भी साइड ब्रेकआउट आएगा उधर की तरफ अपने को एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है, जिधर की तरफ भी। ठीक है, आइदर साइड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके कॉल लेटर्स बैठने, फिर ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। 17,980 जो अभी रेजिस्टेंस देखा था, अगर 18,000 के ऊपर मार्केट क्लोज होता है तो वो 980 फिर आपका सपोर्ट का काम करने लगेगा। सिमिलरली 800 जो लेवल आ रहा है आपका, ठीक है, 56 लैक्स बैठे हैं यहाँ पे, 900 पहला आपका वो है, मतलब हमने क्या देखा था कि 880 के नीचे अपने को स्कैल्पिंग के लिए शॉर्ट करना है टुवर्ड्स 800 तक, बस 800 तक करेंगे, उसके बाद अपन लोग फ्रेश देखेंगे कि शॉर्ट करना है या नहीं करना है, फ्रेश इंट्राडे डेटा के हिसाब से देखेंगे। ठीक, तो ये आपका था निफ्टी का। अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में ज़्यादा थी, उसका रीज़न क्या था, 780 जो ऊपर का, 680 सॉरी जो लेवल था वही आपका हर्डल उसके लिए बन गया था आज। अगर वन डे के चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे आपको ये एक सप्लाई जोन दिख रहा होगा, कौन सा सप्लाई जोन, 40,700 के आसपास का। ठीक है, ये आपका एक सप्लाई जोन दिख रहा है, जब इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे जाएगा 15 मिनट्स का कैंडल तो अपने को ब्रेकआउट मिलेगा टुवर्ड्स 41,000 तक का। ठीक है, राउंड लेवल है इसलिए। तो ये आपका ऊपर की साइड ब्रेकआउट का था, डाउन साइड में कहाँ तक अपने को बाइंग अच्छा मिल रहा है, 40,050 के नीचे जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो रहा है तब तक अपने को बाय ऑन डिप्स रखना ही है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, वो क्यों था, वो क्योंकि डिमांड जोन भी अपना बन के आ रहा है, ये जो आ रहा है आपका। ठीक है, मैं डिलीट करके फिर से दिखाता हूँ कौन सा है, एक ये। ठीक है,
तो ये आपका डिमांड जोन है। इसके बीच में जब तक है तब तक मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। जब तक ये ऊपर का लेवल क्या है 40,700 और नीचे का लेवल है 40,050 या 40,200 मान लो, अगर छोटा रेंज लेना है तो आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उधर की साइड अपन लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, सिंपल। मैं इसकी भी एक बार ऑप्शन चेंज देख लेता हूँ। पुट राइटिंग 40,500। ठीक है, जैसे निफ्टी में एक रेंज आ रही थी ना डेटा के हिसाब से 17,900 से 18,000 रेंज आ रही थी, पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे थी और कॉल राइटिंग यहाँ पे थी, वैसे ही इसमें मेक और ब्रेक लेवल है 40,500। कैसे है, 24 लैक्स तकरीबन पुट ऐड हैं और 24 लैक्स इफ 25 लैक्स के आसपास तकरीबन कॉल्स ऐड हैं। ठीक है, तो ये जब तक आपका नहीं टूटेगा लेवल इधर इधर आइदर साइड। अब इसमें कैसे डिसाइड करते हैं, देखो याद रखना जब भी आपको निकालना होता है मेक और ब्रेक लेवल के लिए तो 100 पॉइंट दूर का एटलीस्ट रखना पड़ता है, मतलब 40,400 यहाँ पे और 40,600 इधर। ठीक है, जिधर की साइड भी सस्टेन करना शुरू कर देती है उधर की साइड आपका एक मूव दिख जाता है 300 पॉइंट तक का। ठीक है, तो ये आपकी ऑप्शन चेन है, क्या है 40,500 का मेक और ब्रेक लेवल। ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप है, बहुत बड़े गैप डाउन को अपना थोड़ा सा भी इग्नोर करेंगे। रीज़न क्या है, बहुत ये वीक जो है इवेंट्स फुल का वीक है, बहुत सारे इवेंट्स हैं इस वीक में। ठीक है, कुछ अपने को एक दो स्टॉक्स देख लेते हैं कि थोड़ा सा उसमें किस तरीके से होमवर्क, जस्ट फॉर नोटिंग पर्पज़। अगर आप देखोगे ये एक रिलायंस का स्टॉक है, ये पूरी तरीके से इसने रेड कैंडल बनाई है और यहाँ पे आपका ये ग्रीन कैंडल है। अगर मैं इसको प्रीवियसली ले जाता हूँ, अब प्रीवियसली क्योंकि मुझे लेवल्स याद हैं, आपको भी जब स्टॉक्स बार बार देखोगे तो आपको भी लेवल्स याद आ जाते हैं। समवेयर अराउंड इसने यहीं पर ये फंस रहा था, करेक्ट, 2615 2610 यहीं पर इसका, यहाँ पर भी इसने जब हाई बनाया था ये देख रहे हो आप इस जगह पर, तो भी इसने यहीं पर बनाया था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे भी यहीं था जहाँ फंस रहा था ये, और अभी भी यहीं पे ही है। जब भी ये 2610 के ऊपर की क्लोजिंग देगा अपने को एक स्विंग ट्रेड भी मिल जाएगा टुवर्ड्स दिस, यानी कि 2680 तक का ये स्विंग ट्रेड के लिए भी हो सकता है। ठीक है, और इंट्राडे में तो प्राइस एक्शन अपना काम करता ही है। ठीक है, यहाँ का आपका फिर उस केस में ऐसे लोग अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो, लेकिन याद रखना क्लोजिंग देना चाहिए इसके ऊपर बिकॉज यहीं पर ये फंस जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं अपन एक बार, ये है आपका एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी सेम पोजीशन है, यहाँ पे आपका ये हर्डल आ रहा है 810 तक का। ठीक है, अब होता क्या है, अपना निफ्टी बैंक निफ्टी का इस पर कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, 800 वाले कॉल लेटर, सबसे ज़्यादा कॉल लेटिंग कहाँ पे होती है ये हमको पता है, एक राउंड लेवल पे। ठीक है, राउंड लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉल लेटिंग या पुट राइटिंग होती है, 800 एक राउंड लेवल। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन चेन का सहारा ले लेंगे, ऑप्शन चेन पे देखेंगे कि 800 के कॉल्स अनकवर हो रही हैं, मार्केट जब ऊपर जा रहा है, जब अनकवर हो रही है और पुट राइटिंग ऐड हो रही है तब अपने को ये एक ऊपर का मूव दे सकता है। लेकिन 810-20 के बीच एक सप्लाई जोन है, वो भी याद रखना। ठीक है, तो इंट्राडे के बेसिस पे अगर अपने को 3-4 रुपये मिल जाएंगे, 803 अगर क्रॉस करता है सपोज, तो 807-810 तक का लेवल दिख सकता है। ठीक है, छोटा सा 2-4 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है अपना ये गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन दिया है, इसमें एक बस प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम आई है कि इसने क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं दी है, अगर ये क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर दे जाता तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती। ठीक है, लेकिन ये ठीक मिल रहा है आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस जोन, आप देख रहे हो मैं जो मार्क कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस कर दिया, क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट लेवल आपका निकल के आता है आपका 14, ये वाला जो आ रहा है आपका कितना रहा है 1520। ठीक है, लेकिन याद रखना अगर 1470 जैसे क्रॉस करता है तो 1500 से पहले 1495 तक का अपना टारगेट रखना, क्योंकि 1500 एक राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल बन जाता है। ठीक है, जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पज है। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे कि काम करता है नहीं करता है। तो आई होप अगर आपको समझ में आएगा, कंक्लूजन निकालो तो बैंक निफ्टी में 40,500 का लेवल है, आइदर साइड जिधर भी हमने देखा था उधर की साइड ट्रेड हुआ तो उधर ट्रेड ले लेंगे, नंबर वन। नंबर सेकंड निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो एक रेंज बन गई 900 से 18,000 के बीच में, 900 के नीचे अगर 880 के नीचे जाती है मार्केट तो फिर अपने को 17,825 तक का मूव मिल जाएगा। ऊपर की तरफ अगर 980 क्रॉस करेगी तब अपना ब्रेकआउट आएगा अच्छा वाला। ठीक है, साथ में याद रखना ये देखते रहना कि 18,000 के कॉल लेटर्स भाग रहे हैं, नंबर वन। नंबर सेकंड पुट राइटर्स ऐड हो रहे हैं 18,000 पे जब ब्रेकआउट आता है। देखो ब्रेकआउट फेल होगा या नहीं होगा इसको ऑप्शन चेन के साथ मिला लोगे तो चांसेस होंगे कि आप बच जाओगे फॉल्स ब्रेकआउट से, वरना होता सब में ही। देखो कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता कि 100% गारंटी दे, लेकिन एक अच्छा अपने को प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।